नमस्कार, मैं हूँ दीननाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दिल्ली के वाल्मीकि समाज में एक हल्का सा माहौल बना हुआ है, जहाँ पे एक ईश्वर सिंह नाम का सफाई कर्मी कोरोना योद्धा इस समय कोरोना पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं एक हॉस्पिटल में पीड़ित है। वहीं कहीं ना कहीं जब सफाई कर्मियों से मांगा गया इलाज का पैसा, उन्होंने लगाई ये गुहार और कर दी सरकार से मांग कि मुझे कृपया मेरे फंड बोनस से ले लिया जाए पैसा और मेरे बच्चों के लिए मुझे जीने का दे दिया जाए मौका। उस गुहार पे भड़का पूरा वाल्मीकि समाज। वहीं कहीं ना कहीं पहुंचा जनसंसद न्यूज। जनसंसद न्यूज की सबसे बड़ी कामयाबी देखने को आपके मिली कि जनसंसद न्यूज की खबर का असर आपको इतना बड़ा लगा कि तत्काल सफाई कर्मी आयोग के रविशंकर ने ले ली फैसला, तत्काल दिए इन्होंने लेटर। और देखो आप, लेटर पे दस्तखत करते हुए तत्काल ईमेल किया गया उस हॉस्पिटल में जहां एक सफाई कर्मी परेशान दिख रहा था, वहीं पे तत्काल फैसला लिए रविशंकर ने, सदस्य सफाई कर्मी आयोग दिल्ली सरकार। तो आपसे मैं जानना भी चाहूँगा और सुनना भी चाहूँगा क्या कुछ कहते हैं ये रविशंकर जी। आज आप उनसे सुनिए किस प्रकार से फैसला किया। जहाँ भी इलाज करा रहे हैं उनका दिल्ली की सरकार इलाज करवा रही है, और अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो हम उनके लिए बैठे हुए हैं ना, उनकी हम सेवा के लिए बैठे हुए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे संज्ञान में डालें, हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। जो जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उन्होंने सीधे कहा कि हॉस्पिटल मुझसे पैसा मांग रहा है, मेरे पास इस समय पैसा नहीं है, मेरे बोनस से मेरे फंड से अगर कुछ पैसे है तो ले लें, मुझे अपने बच्चों के लिए जीने दिया जा, इस पर हमारी सरकारें हमारे पर रहम करें। बिल्कुल, दिल्ली सरकार अपने लोगों के साथ है, दिल्ली के लोगों के साथ है, दिल्ली के हर कर्मचारी और डिपार्ट के साथ है जो कोरोना में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की विभाग में कोई सर्विस करते हो या दिल्ली के वो नागरिक होने चाहिए। लेकिन आप सफाई कर्मचारी के आप मेंबर हैं तो आपका बहुत बड़ा पद है, और जो वीडियो वायरल हो रही है वो जयपुर गोल्डन, वो खुद बता रहे हैं कि मैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में हूँ, और वो काफ़ी उस वीडियो में रो भी रहे हैं वीडियो बनाते हुए जो सफाई कर्मचारी है, और वो कह रहा है कि कोई मेरी मदद कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं इस मामले में? बिल्कुल कर सकते हैं हम। अगर जैसे मैंने अभी वो वीडियो मेरे संज्ञान में नहीं आया और आज आपने कहा है, तो मैं जयपुर गोल्डन पे अभी थोड़ी देर में एक लेटर इशू कर दूंगा। अगर ऐसी कोई समस्या किसी सफाई कर्मचारी को आई है तो उसका पूरा ध्यान रखा जाए, और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग उसको संज्ञान में लेते हुए अभी 5 मिनट में अभी मैं इनको बोल देता हूँ और अभी एक लेटर इशू हो जाएगा जयपुर गोल्डन में, चाहे वो कोई, उसका नाम भी मेरे को अभी नहीं पता, लेकिन आपने अगर मेरा संज्ञान में डाले तो मैं अभी ईश्वर सिंह नाम, ईश्वर सिंह, ईश्वर सिंह के नाम से अभी जयपुर गोल्डन को मैं अभी एक लेटर इशू करूंगा कि उसकी पूरी मदद की जाए और उसके जो भी उसकी जितनी हेल्प हो सकती है वो की जाए, और अगर वो नहीं करते तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के ऊपर एक्शन लेगा। एक है ना जयपुर गोल्डन के लिए एक जो है ना एक लेटर इशू कर दीजिए, कोई ईश्वर नाम का सफाई कर्मचारी है उसको वहाँ बहुत दिक्कत आ रही है, उसका बिल बिल बनाया जा रहा है और वो बेचारा रो रहा है, तो आप उसमें लिख दीजिए ईश्वर नाम है और जयपुर गोल्डन में वो सफाई कर्मचारी अपना कोरोना से इलाज करवा रहा है, और इमीडिएट अभी बना दो, मैं साइन करूँगा, क्योंकि सनोफ का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ईश्वर नाम है और अभी मीडिया के माध्यम से मुझे सनोफ राजकुमार है, हाँ जी, और ये अभी मीडिया सामने जयपुर गोल्डन ये वाला ये रोहिणी वाला, हाँ जी हाँ जी, इसे लेटर अभी इशू आप कर दो बना के कि जो भी इनकी हेल्प है, तो मीडिया के सामने ही बोल रहा हूँ मैं, आपको फ़ोन भी मीडिया के सामने बुलाया है, तो ये हाँ मुझे दे दो, ठीक है, ओके ओके।